YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। झारखंड में भाजपा ने सरकार गठन के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पलामू जिला मुख्यालय डाल्टनगंज के परिसदन भवन में पलामू भाजपा की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक राधाकृष्ण किशोर और आलोक चौरसिया ने सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा संयुक्त रूप से पत्रकारों के समक्ष रखा। द्वय विधायकों ने बताया कि मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में प्रशासनिक कार्य संस्कृति पारदर्शिता के साथ मजबूत हुई है। झारखंड राज्य की आर्थिक विकास दर 6% यानी कि देश भर में दूसरे स्थान पर रहने का दावा करते हुए भाजपा विधायकों ने लघु सिंचाई जलपथ प्रमंडल प्रक्षेत्र ग्रामीण विकास ग्रामीण पथ सहित कृषि गव्य विकास नगर विकास उद्योग और कल्याण विभाग व सुरक्षा से संबंधित विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। कहा कि विगत 3 वर्षों की भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान 1 लाख से अधिक नियुक्तियां की गई जबकि आगामी जून 2018 तक 50,000 अतिरिक्त नियुक्तियां करने का लक्ष्य रखा गया है। बतलाए कि पलामू जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोकू डगरा पथरा मऊडंड एवं दंगवार में पुलिस पिकेट की स्थापना सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था स्थापित करने के मद्देनजर की गई जबकि नगर विकास के तहत जिले के शहरी क्षेत्र में कुल 1,709 लाभुकों को रहने के लिए आवास निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 2016-17 एवं 17-18 के दौरान 39,101 आवासों की है। उन्होंने उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि विगत 3 वर्षों में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत 22 अदद पुलों का निर्माण कार्य पूरा कराया जा चुका है। इसी अवधि में 100 पंचायत भवनों के अलावा 22 पंचायत भवनों में पुस्तकालयों की स्थापना भी की गई जबकि जिले भर में 14,000 शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है। 125 करोड़ रुपए की लागत से 286 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका। कृषि क्षेत्र में हुए विकास कार्यों पर द्वय नेताओं ने कहा कि 249 किसानों को मिनी स्प्रिंकलर उपलब्ध कराए गए जबकि फसल बीमा का लाभ 1,38,717 किसानों को दिया जा चुका है। 75 डेयरी केंद्रों की स्थापना के अलावा 146 दुधारू गायों का वितरण भी किया गया जिससे प्रतिदिन 33,000 लीटर दूध उत्पादन का इजाफा हुआ है। विगत 3 वर्षों में 89 चेकडैम निर्माण के अलावा 2,048.5 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया। वहीं आदर्श ग्राम योजना के तहत किशनपुर उलडंडा और कीकरगढ़ पंचायत की समग्र विकास जारी रखने का दावा भी वक्ताओं ने किया। साथ ही कहा कि जपला सीमेंट फैक्ट्री एवं रजहरा सीसीएल माइंस चालू कराने की दिशा में सरकार का प्रयास जारी है। कि कुछ ऐसे अनेक कार्य जो कार्य पे रोक लग गया था जो कार्य नहीं हो पा रहे थे उस कार्य को हमारी सरकार ने पूरे ही अच्छे तरीके से सरल तरीके से उसको करने का काम किया। मैं पूरे पलामू जिला मैं बताना चाहता हूँ कि 3 साल के अंदर में जो कार्य पलामू जिला में नहीं हुआ था वो कार्य हमारी सरकार ने पूरा किया। हम सब जनप्रतिनिधि पूरे पलामू जिला के जितने भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि सभी जनप्रतिनिधि ने अपनी सरकार की कार्य को सराहा। सरकार की जो कार्य उस कार्य को हम लोगों ने क्षेत्र में पब्लिक के बीच में उस कार्य को करने का काम किया चाहे वो सड़क की बात हो या पानी की बात हो या बिजली की बात हो या फिर मेडिकल की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो या बच्चे के लिए जो हमारे नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी की जो बराबर मांग होती थी बहुत दिनों से जो मामला चलता था उस मामला को भी हमारी सरकार ने हल करने का काम किया। कॉलेज का बहुत जल्दी जनवरी में हमारी सरकार आएगी और शिलान्यास काम करेंगे। ऐसे आप तमाम लोगों के माध्यम से मैं जरूर करना चाहता हूँ डाल्टनगंज विधानसभा खासकर कि जो डाल्टनगंज विधानसभा में जो 25 साल में जो कार्य नहीं हुआ था उस कार्य को हमने 3 साल के अंदर सड़क के मामले में पूरे विधानसभा को आप लोगों में अनुरोध करूंगा कि आप लोग गाँव में जाकर उस पब्लिक के बीच जाइए जिस इलाका में सड़क बना है जिस इलाका में बिजली लाइन गया है जहाँ पर आजादी से आज तक लाइन में खंभा नहीं लगा था। हमने पूरे विधानसभा में 400 ट्रांसफार्मर अपने हाथ से देने का काम किया और बहुत कुछ ऐसे ट्रांसफार्मर था जिसको हमने पिछले उद्घाटन भी करने के काम किया है। तो हमने सरकार के काम को अपने काम को लेकर एक अच्छे तरीके से कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए सरकार की योजना को आम पब्लिक तक कैसे पहुंचाया जाए इस पर हम लोग विशेष फोकस किए हुए हैं। अभी 2 साल हमारे पास बचा हुआ है निश्चित तौर पर बहुत सारा ऐसा कार्य भी और आने वाला है जिस कार्य में हम लोग पूरे मजबूती से अपनी सरकार के सहयोग से और ये भारतीय जनता पार्टी विकास की पार्टी है तो विकास करने के लिए ही पार्टी का सरकार बना है। और आप देखे होंगे कि पूरे राज्य में जो सरकार की जो ग्राफ है अभी एबीपी न्यूज में आप लोग देखे होंगे सॉरी न्यूज 11 में जो हमारी सरकार हमारे मुख्यमंत्री का जो प्रतिशत आया है उससे हमारी पूरे राज्य की जनता खुश है
सरकार की जो कार्य कार्य से पूरे जनता पूरा एकदम खुशी मना रहा है कि हमारी जो सरकार है वो सरकार अच्छे कार्य कर रही है। एक बात बताइए, 3 सालों में अगर नंबर ऑफ मार्किंग दिया जाए तो आप कितना प्रतिशत सफल रहे हैं ये बताइए। आप ही के बारे में सरकार निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने 100% मैं अपने सरकार को देना चाहूँगा। इसलिए देना चाहूँगा कि आप देख लीजिए बहुत सारा ऐसा कार्य पहले नहीं था, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत था, स्कॉलरशिप सही टाइम पर नहीं मिलता था, हमारे यहाँ कल्याण विभाग में बहुत सारा ऐसा योजना था जो नहीं हो पा रहा था। हमारी सरकार ने पूरी मजबूती से उसको करने का काम किया, उससे तो हमको अगर और भी ज़्यादा अगर प्रतिशत देना पड़ेगा तो पूरा दे देंगे। लेकिन विधायक जी कई योजनाएं यहाँ पे हैं जो अधूरा पड़ा है, जैसे युवाओं के लिए खेल के लिए मात्र एक स्टेडियम है जो आज भी अधूरा रह गया, इस 3 साल में भी लोगों का उम्मीद। मैं निश्चित तौर पर आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं इस क्षेत्र का विधायक बना तो सबसे पहले मैंने जो स्टेडियम बना था GLA कॉलेज में, उस स्टेडियम के बारे में मैंने विधानसभा में काम किया और उसे मैं कहा कि जो स्टेडियम बना है वो किसी दलाल बिचौलिया के माध्यम से, किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से बना जो पैसा निकाल कर खा गया। उसके बाद भी सरकार ने हमसे जो स्टेडियम मांगा तो मैंने वैसे सुदूर इलाका में, जो आप देखेंगे पुल पानी के उतना पिछड़ा इलाका जहाँ पे कार्य करने से लोग डरते हैं कि यहाँ पे कार्य होगा तो कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसे इलाकाओं में हमने स्टेडियम बनाने का काम किया। अभी चैनपुर में मान जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज में स्टेडियम देने जा रहे हैं, उसका भी शिलान्यास हम लोग बहुत जल्दी फरवरी मार्च के बीच में हम लोग शिलान्यास भी करने के काम करेंगे और इसका भी पुनः जीर्णोद्धार के लिए सरकार ने पैसा आवंटन कर दिया है, पुनः इसका भी हम लोग कार्य बहुत जल्दी चलाने जा रहे हैं और स्टेडियम जहाँ तक हो निश्चित तौर पर डालतेगंज में स्टेडियम बनेगा। अपना विकास की है वो कभी नहीं चली, उसको पूर्ण बहुमत कभी नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को इसलिए पूर्ण बहुमत मिला है कि पूर्ववर्ती सरकार जो अपना विकास करते रहे लोग उनको जनता ने किनारे किया और एब्सोल्यूट मेजोरिटी हमको मिला, और जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिला रघुवर दास गवर्नमेंट को, तो जो काम 14 वर्ष में नहीं हुआ झारखंड बनने के बाद वो काम 3 वर्षों में हम लोगों ने। अब ये बताइए झारखंड विधानसभा शुरू से हम विधायक रहे, मैंने कहा कि साहब सरकार बनी है राज्य बना है तो सबसे पहला काम करिए कि विधानसभा का भवन तो बनाइए। 14 वर्ष में नहीं बना, ये रघुवर दास की विधानसभा का भवन बन रहा है और यही नहीं 2019 का जो बजट सत्र होगा ये नए विधानसभा भवन में होगा, हाईकोर्ट का भवन बन रहा है, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना और अब पलामू की बात अगर कर ली तो जो कनेक्टिविटी मैंने एक फिगर अभी दिया है वो फिगर को लगभग 250 से अधिक किलोमीटर सड़क उग्रवाद क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी है, पिछड़ापन है, सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ापन है। तो हम लोगों ने तय किया कि आखिर पिछड़ापन का कारण क्या है, तो इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे कि संपर्क पथ से जुड़ा ही नहीं है, पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है और नतीजा ये होता है कि विकास की गति बहुत तेज नहीं होती है। तब सरकार ने पुल पुलिया ग्रामीण सड़कों के निर्माण, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से सड़कों का निर्माण, NH-75 को मजबूत करना, NH-98 को मजबूत करना और फिर इसी तरह स्टेट हाईवे को मजबूत करना। अगर मैं फिगर दूर तो मैं समझता हूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इन सब कितना में काम सफल रहे हैं अभी तक 3 साल की अगर सरकार है तो आप बताइए। सारांश में मैं कहना चाहता हूँ कि पलामू जिले में झारखंड बनने के उद्देश्य को पूरा होता हुआ इन्हीं 3 वर्षों में हम देख रहे हैं और मैं बहुत ही संजीदगी से एक बात कह रहा हूँ कि मैं 5वें टर्म का विधायक, विगत 4 टर्म में उतना काम नहीं हुआ है जो इस 5वें टर्म के 3 साल में मैं अपने विधानसभा क्षेत्र। अगर विकास की बात की जाए तो प्रतिशत की अगर बात की जाए कितना प्रतिशत आप सफल हो पाए और कितना अभी आपको क्या लगता है? विकास तो एक सतत प्रक्रिया है और विकास तो कभी न रुकने वाला एक लक्ष्य भी है, लेकिन जो बुनियादी बातें जैसे किसानों के सिंचाई की बात हो, कृषि उत्पादन दर में वृद्धि की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण की बात करें या फिर हम चिकित्सालय की बात कर लें, शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने की बात करें, पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराए, ये 5-7 ऐसे विषय हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्र में उसको उतारना बड़ा ही जरूरी है।